अस्सलाम वालेकुम जी एन प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद सिबीर बाबा जी और असी अज पहुँच गए हाँ शेरगढ़ किले दे विच। शेरगढ़ किला जिहड़ा है सिख इतिहास दे विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, यानी कि जे लोग सिख तवारीख नूं जानना चाहते ने या नॉर्थ वैसट पंजाब या हज़ारा डिवीजन जिहड़े ने नवाब आम दरबंद ए सारियां जिहड़ियां कड़ियां आपस विच बहुत ज़्यादा सारिया मिलिया हुई ने। तुसी देख रहे हो वैब टीवी साढ़े वाला एंड रेडियो साढ़े वाला 87.8 FM ऑकलैंड न्यूजीलैंड का प्रोग्राम देख रहे हो। ऑल राइट्स आर रिजर्व बाय रेडियो साढ़े वाला। मेरे नाल मौजूद ने इस वेले सत्तवीं कुल जड़ी ने नवाब खानदान जड़ा है तनावल दे तुसी कह लो इस वेले जड़े शहजादे ने मौजूद वो साढ़े नाल ने जिन्हों के कोल ये हवेली है जिन्हों को किला है। अमेजिंग लाहौर तो 8 to 9 hours की ड्राइव करो तो फिर इतने पहुँचा जा सकता है। वैसे अगर तुम घोड़ियाँ आना चाहो तो शायद तुम 14 hours भी लग सकते हैं क्योंकि इन्नी दूर है लाहौर तो। इतने की किया गया सी इतने मारा गया सी बन गल करते हैं असी जहांदाद खान साहब नाल और बाकी दी गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां दी जबानी असी तुहानूं सुनावांगे क्योंकि जिन्हां दी पुरखां दी रैतल इत्थे रही है जिन्होंने मुकाबले किए ने इत्थे खाली सिख राज नाल मुकाबले नहीं होए दुरानिया नाल भी होए मुगलों नाल भी होए और बड़े लोगों के नाल होए ने। तो अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया शाहिद भाई जी। आप बिल्कुल ठीक ठाक जी, तुसी सुनाओ? मैं भी ठीक हां जी। आओ चलो तो सानु थोड़ा थोड़ा दसो नाल जी। ए जगह जड़ी है इस वेले जिथे सिख लोते थे 15 दिन पीछे बहुत ही वधिया तरीके नाल तुसी देख सकते हो ये आले बने हुए ने। तुहानू पता है कि पुराने जमाने दे विच आले जिहड़े सन पहले तो दिया दान वास्ते और उस तो बाद छोटा मोटा समान रखने वास्ते जिहड़ा वो इस जगह उत्ते रखे जाते सन जी। दरवाजे का मतलब एक दरवाजा हो देखो ये जिस वेले कंस्ट्रक्शन हुई है 1819 सब तो पहले तो मैं तुसां अगे दसना चाहता तो उस पर जी ऑडियंसिज हैं कि शेरगढ़ किले की जी कंस्ट्रक्शन है ये डेटेड है 1819 को जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर कब्जा किया अफगान दुरानिया को। ये इलाका हज़ारा जड़ा है ये बुनियादी तौर पर कश्मीर पंजाब तो अफगानिस्तान की सरहदी इलाका इसको तस्वर किया जुलता सा। जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर कब्जा किया हज़ारे का कब्जा उन्होंने जरूरी आसा इस वजह तो कि दुरानी इस रस्ते तो लंघ के कश्मीर जुलते आते ऐसे यानी कश्मीर का पैसेज वे ब्लॉक करना जो गए दुरानिया का हज़ारे की कंस्ट्रक्शन हुई। हज़ारे 80 forts आसे खालसा दौर में जिन्हों चो शेरगढ़ नॉर्दर्न मोस्ट फोर्ट्स में एक है। अच्छा हाँ जी। तो ये दरवाजे जड़े हैं सारे दिफाई अंदाज नाल तामीर हैं डिफेंस परपसिस तो इन्हों दे जी ये तीन दरवाजे हैं इन्हों नाल फोर्ट की एंट्रेंस होती है। तो अज भी ये दरवाजे 200 years पुराने हैं ते अज भी हर राती असी इन दरवाजे नाल एक किला जिहड़ा असी बंद करदे हुंदे आ पूरा किला बंद। हां जी हां जी बिल्कुल 200 साल की कह रहे हो जे ए देखो कि आप जी इधर दे पत्थर नहीं आवे और ये डॉट ते छड्डा दरवाजा ठीक है जी डॉटेड दरवाजा है। अमेजिंग जबरदस्त बहुत कोशिश ऐसा की पिछा तुसी देख सकते हो शेरगढ़ किले च काफी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं हिमालयन फ्रेस्को आर्ट दी जिहड़ी शायद तुसां इस इलाके च अजकल इतनी आसानी नाल नहीं लभदियां हैं। ते ये जिहड़ा पिछा फ्रेस्को आर्ट तुसी देखते हो ये डेटेड है 1860s को असदे एनसेस्टर असे नवाब अकरम खान ते कि जिस वेले जंग खत्म हुई है ब्रिटिश दौर शुरू होया है ते डिफेंस पर्पसिस दी इंपोर्टेंस कम असी फिर रेजिडेंस विच तब्दील होया है रिहायश विच तब्दील होया है जिस वेले इसको रिहायशी हबदली तब्दील किया है ते पिछा फिर फ्रेस्को आर्ट जिहड़ा तुसी देख सकते हो ये सारा 1860s नवाब अकरम खान दे दौर दा जी। बिल्कुल जी जबरदस्त स्रोतियों तो दसता चला कि असी अज तुहानू एक अनमुली जगह दिखा रहे हैं ये वो किला है जिहड़ा कि जनरल हरी सिंह नलवा ने तामीर किया सी और उन्हूं बने हुए 201 साल हो गए ने अज 201 साल हो गए ने
लास्ट ईयर जिहड़े सी 200 साल पूरे होए सन। अमेजिंगली कि बिल्डिंग जिहड़ी है अज भी उस तरह ही खलोती हुई है, जिस तरह के बाद दे विच कह लवो तुसी कि खालसा राज खत्म होने तो 20 साल बाद जिहड़ा आर्ट किया गया वो भी उस दौर नूं मद्देनज़र रखते ही किया गया कि उहदे च कोई ज़बरदस्त किस्म की मैं कहांगा कि एक कह लवो एडिशन हुई है, अच्छा लग रहा है, कोई इदा नहीं लग रहा कि कोई चीज़ जिहड़ी है पहले तो उन्हों खराब होया। असल विच ये किले के मुतलक यह दसिया जाता है कि 17 वारी ये जगह जीती गई और 17 वारी जिहड़ी है दोबारा वापस लिती गई। ये बहुत 20 सालां च तुसी देख लो कि एक साल भी पूरा जिहड़ा कब्जा है वो सिख राज दा इस जगह दे उत्ते नहीं रहा, क्योंकि लाहौर तो घट्टो घट मैं थले भी तुहानू दस रहा 8 to 10 घंटे की ड्राइव है, तो घोड़ियां तो 14 to 16 घंटिया की जिहड़ी है, ये इन्नी दूर तक लाहौर दरबार का असर रसूख जिहड़ा सी किसी ना किसी तरीके 20 साल तक जिहड़ा वो इत्थे मौजूद रहा। आओ जी सानू जरा अगे चलो तो दिखाओ। दरमियान सख्त जबरदस्त टकराव होया शेरगढ़ के मकाम का, जिस तरह शाहिद भाई जिक्र किया 17 दफा अस्ती फैमिली की सीना बसीना जी तारीख रवायत हुई है उसके मुताबिक 17 दफा यानी एक किला कब्जा होया है, फिर सिख दौर में सिख गवर्नमेंट वापस, फिर असी फिर इस तरह 17 दफा होया 1837 तक। इन वन ऑफ दोज अटैक्स इतना मकामी जेडे अस्ते डिफेंडर्स ऐसे कोई बच्चे जेडे हैं वो शहीद हो गए ऐसे, ये उन्होंने बच्चों की याद बच है, तो मैं समझना कि बच्चे जेडे होंगे मासूम बच्चे जो होंगे इनकी डेथ जी है ये धर्म मजहब तो एक शय होंगी है, इसको असा यानी ये संभाल के असा रखे है इस जगह कि इसकी इज्जत होनी चाहिए है, तो इस नाल इस गला की यादगार है कि जी जंग जिहड़ा है वो कोई खूबसूरत चीज़ नहीं। जंग जिस वेले असी पढ़ने अक्सर असी मुझ बड़ी बड़ी गलां करते होंगे जंग बिच भी मैं फलाने मैं इस तरह किया है तो मैं इस तरह किया है, हर कौम आखती है भाई असा तो ताकतवर कोई नहीं तो बहादुर कोई नहीं, लेकिन जंग की रियलिटी नाल नाल ये भी है कि बहुत सारे सिविलियंस बहुत सारे बच्चे उन्होंने भी डेथ्स होती तो ये शेरगढ़ किले शायद मैं आखना एक दर्दनाक यादगार है उस जमाने का शायद भाई इधर से आगे एक दफा देख ले। अंदर देख कमाल है वाह। इस तरह ही लग रहा जिस तरह के मैं किसी भी सिख वैली दे विच जावां ते उस वेले मैनू उत्थे भी यही आर्ट नज़र आंदा, लेकिन यह थोड़ा जहा मॉडर्न उन्हां तो लग रहा, क्योंकि पुराना जिहड़ा आर्ट सी उहदे विच कुछ चीज़ां और कुछ बेल बूटे थोड़े जिहे चेंज ने उन्हां दे विच, ये मैनू कुछ थोड़ी जी चेंजिंग लग रही है। ये मैं तुसां एक इंट्रस्टिंग एग्जाम्पल तुसां दसना जिस नाल ये शो होंदा है कि ये जिहड़ा आर्ट है ये सिख पीरियड दा नहीं उस तो अर्लीअर है। पिछा तुसीं देख सकदे हो चाह दी प्यालियां बणी दिन, हाँ ये चाह मुतरादिफ इत्थे ला के अंग्रेज़ां कीती है, ये मंदी आदत असां अंग्रेज दौर विच लगी है, उस तो पहले सिख दौर असा मुगल दौर विच असी चाह ना पींदे होंदे असे, इस नाल ये शायद कन्फर्म होंदी है कि आर्ट पीसेस जिहड़े हैं 1860s 1870s अर्ली कलोनियल पीरियड जिसको तुसी आ सकदे हो उस जमाने दा सारा, ते वुडवर्क भी तुसी देख सकदे हो छत जिहड़ी है ये उसी जमाने दी है सारी। चम्मच है और